अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आपसे प्यार करें, आपसे मोहब्बत करें, तो ये 5 सी अपनी लाइफ में कभी भी यूज मत करना। फर्स्ट, क्रिटिसाइज। या तो वो भाई हो, या वो दोस्त हो, या पर रिश्तेदार हो, कभी किसी की आलोचना ना करें कि ये वैसा है, ये ऐसा है, ये तो गंदा है, ये तो काला है, ये गोरा है, ये बेवकूफ है, ये पागल है। कभी किसी के बारे में गलत ना बोलें, सबके बारे में हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। सेकंड सी है आपका नेवर कंप्लेन। कभी भी ये कंप्लेन ना करें अपने आप से कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि कैरली नाम का आदमी जिसने सोच लिया था कि उसे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और ओलंपिक से 2 साल पहले उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका जो हाथ है वो जिसे उसने गोल्ड मेडल जीतना था वो उसका हाथ चला गया। अब वो चाहता तो वो पूरी लाइफ अपनी सोच सकता था कि मेरे साथ ही भगवान क्यों हो गया। तो जब वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था तो उसके पास 2 रास्ते थे। एक, या तो वो अपनी पूरी जिंदगी रोता रहे और भगवान को कंप्लेन करता रहे कि भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा कि जो उसका गोल है, उसका फोकस है, उसको पकड़ कर रखे और उस पर काम करे। 1 महीने बाद जब वो वापिस आया, उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग, जिससे कभी वो लिख भी नहीं सकता था, उस हाथ की ट्रेनिंग उसने स्टार्ट कर दी। कि जब 2 बार ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, मतलब 8 साल का गैप, 1952 के ओलंपिक में जब वो गया, दुनिया के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे और अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था, और आखिरी में कौन जीता, कैरली द मैन विद ओनली हैंड। वो यहाँ पर ही नहीं रुका कि 4 साल बाद दोबारा ओलंपिक्स हुए और उसमें भी कौन जीता, कैरली। पूरी की पूरी ओलंपिक हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अब आप सोचें, अगर वो चाहता अपनी पूरी लाइफ कंप्लेन कर सकता था कि मेरे हाथ में तो बम फट गया, अब मैं कैसे मैं अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा, पर उसने कंप्लेन नहीं की और अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बना दिया। तो कभी भी कंप्लेन ना करें। थर्ड, क्राई। कभी भी रोए ना। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी रोते हुए के साथ रहना चाहेगा या उसे दोस्ती करना चाहेगा? तो कभी भी रोए ना। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो भी महान इंसान है अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीख कर ही महान इंसान बना है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन रोने लग जाता तो हमें कभी बल्ब नहीं मिलता। अपने फेलियर, अपने हार से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, उसको पॉजिटिविटी में बदल दीजिए। अगर आप हार भी गए तो आपने उसे कुछ सीखा। फोर्थ, कर्स। कभी भी किसी को भी शराब मत दीजिए कि तेरे साथ ऐसा होगा, तू कीड़े पड़कर मरेगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू अनाथ हो जाएगा, तेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी। अगर आपको किसी को अपने साथ जोड़ना है तो कभी भी उसको शराब मत दीजिए कि अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू लॉस में चला जाएगा, तू हार जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट, कंपैरिजन। कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें कि अंबानी को देखो, उसके पास तो रोल्स रॉयल्स है, उसके पास तो फरारी है, मेरे पास तो सेंट्रो है। आप सेंट्रो में ही खुश रहिए, कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। उसके पास तो बड़ा बंगला है, मेरे पास तो छोटा सा घर है, उसके पास तो महंगी घड़ी है, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, वो तो गुच्ची की शर्ट पहनता है, वो तो गोरा है, मैं तो काला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में खुश रहो, आपसे सब जुड़े, तो कभी भी इन 5 सी को अपनी लाइफ में आने मत देना यार। हमेशा खुश रहोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करना। और आप चाहते हो कि एक भी ऐसी वीडियो आप मिस ना कर पाओ जिससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो, तो अभी जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो कि लेटेस्ट वीडियो के साथ आप अपडेट रहो, और इन प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर चेक करना। Thanks for watching this video.